उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वकीलों का प्रदर्शन तब सुर्खियों में आ गया जब वकीलों ने गोंडा लखनऊ मार्ग को जाम कर दिया। आक्रोशित वकीलों ने अपनी मांग पूरी न होने पर सड़कों पर उतरकर जमकर हंगामा काटा, जिससे सड़कों पर लंबी गाड़ियों की कतार लग गई। आपको बताते चले, तहसील परिसर में सरकार की मंशा अनुरूप ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव जैसे ही वकीलों के संज्ञान में आया, वैसे ही वकीलों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लगातार वकीलों का प्रदर्शन का आज 13वां दिन था। वकीलों ने कहा, जब तक इस पूरे मामले में कोई हल नहीं निकल जाता, तब तक वकील चुप नहीं बैठेंगे। इस पूरे प्रकरण में बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित कई संगठनों ने वकीलों का समर्थन किया, जिससे सड़कों पर आवागमन बाधित हो गया। चक्का जाम जो है, हमारे अधिवक्ता साथी जो है ग्राम न्यायालय के विरोध में कर रहे हैं। माननीय जिला अधिकारी महोदय की तानाशाही और माननीय जिला जज महोदय के तानाशाही से हम लोग तंग आकर के आज अम्बेडकर चौराहे पे अपने अधिवक्ता साथियों के साथ ग्राम न्यायालय का विरोध कर रहे हैं। कितने दिन से आपका हड़ताल चल रहा है? यह आज हमारा जो है 15वां दिन है और यह अभी हमारा आंदोलन जो है आंदोलन जारी रहेगा, जब तक हमें जो है जिलाधिकारी महोदय या सरकार के द्वारा कहते हैं कि जज साहब जिम्मेदार हैं, जज साहब कहते हैं कि जिलाधिकारी जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन हम कहने के किसी पर नहीं आते। हमारा ये मानना है कि दोनों की जिम्मेदारी है ग्राम न्यायालय की स्थापना प्रक्रिया में, चाहे जज हो और चाहे जिलाधिकारी हो। हमारा ये आंदोलन पूरे न्यायिक प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों के खिलाफ है कि दोनों लोग इस न्याय ग्राम न्यायालय प्रक्रिया के में हठधर्मिता अपना रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ ग्राम न्यायालय की स्थापना हो रही है वहाँ तो न्यायिक वातावरण, देखिए स्थान होना बड़ी बात नहीं है, बिल्डिंग होना बड़ी बात नहीं है, न्यायिक वातावरण होना जरूरी है। न्याय होना जरूरी नहीं है, न्याय होता दिखता दिखना जरूरी है। तो जब तक न्यायिक वातावरण नहीं होगा, जिस जगह न्यायालय की स्थापना हो रही है वहाँ न्यायिक वातावरण नहीं है, तहसील की अदालतें साल साल चल नहीं पा रही हैं, वहाँ के मुकदमे निस्तारित नहीं हो पा रहे हैं, तो ये जुडिशरी के मुकदमे कैसे निस्तारित होंगे। इसलिए हम लोग वादकारियों के हित में और समाज के हित में हम लोगों ने जो आंदोलन छेड़ा है अधिवक्ताओं ने, यह आज 13वां दिन है। 13वें दिन में चूंकि हमारे अध्यक्ष जी सिविल बार के और बार एसोसिएशन के दोनों लोग एजे से मुलाकात का उनको निमंत्रण मिला था, इस मुद्दे पर आज वार्ता के लिए इलाहाबाद गए हैं। आज का नेतृत्व, इस आंदोलन का नेतृत्व रवि प्रकाश पांडे जी और हमारे जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन के सिविल बार के, ये तीनों लोग कर रहे हैं। यहाँ दोनों मंत्री जी हैं, मंत्री जी ने अभी ADM को ज्ञापन दिया है। आज का ये हमारा कार्यक्रम अंबेडकर चौराहे पर 1.5 घंटे जाम लगा करके अपनी नारेबाजी, शांतिपूर्ण नारेबाजी करनी थी और वह गांधीवादी आंदोलन की तरीके से हम लोग सफल रहे। हम अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं।